आज हम मार्क्स की देन का अध्ययन करेंगे। मार्क्स की महानता पर विभिन्न और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। समाजवादियों के लिए यह एक देवता तुल्य है तो पूंजीवादियों के लिए सबसे बड़ा विषाद। लेकिन इससे मार्क्स की महानता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि संपूर्ण मानवीय इतिहास में ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ जिसके विचारों ने मानव जाति के इतने बड़े भाग को प्रभावित और अनुप्राणित किया हो, उनके सामाजिक जीवन में इतने गहरे दूरगामी और आमूल परिवर्तन कर दिए हों जितने कि मार्क्स के विचारों ने किए हैं। मार्क्स का नाम विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है और उसकी रचनाएं संपूर्ण विश्व के करोड़ों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती हैं। मार्क्स राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अपने कई विशिष्ट दिनों के कारण उसका योगदान है। तो मार्क्स के जो देन हैं वो निम्नलिखित हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद की विचारधाराओं का प्रबलतम प्रवर्तक और समर्थक है। मार्क्स प्रथम समाजवादी नहीं था और मार्क्स के पूर्व भी रॉबर्ट ओवन, एफ डी मॉरिस, चार्ल्स किंग्सले, डॉक्टर हॉल आदि समाजवादी विचारक हुए हैं, किंतु लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाज प्लेटो की रिपब्लिक और थॉमस मूर की यूटोपिया की तरह काल्पनिक था, किंतु मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रस्तुत एक व्यवहारिक दर्शन है जिसमें विद्यमान विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया गया है। इस प्रकार समाजवाद को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग बताया है। समाजवाद को वैज्ञानिक व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय मार्क्स को ही प्राप्त है। लुईस वॉशरमैन ने लिखा है कि मार्क्स ने समाजवाद को एक षड्यंत्र के रूप में पाया है और उसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा है। समाजवाद ने उससे एक दर्शन और एक दिशा प्राप्त की है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अपूर्ण मानते हुए भी हमें स्वीकार करना होगा कि समस्त सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व के महत्व का प्रतिपादन करते हुए उसने सामाजिक अध्ययन की एक बहुत बड़ी सेवा की है। वैज्ञानिक और आर्थिक संस्थाओं तथा विद्यमान आर्थिक व्यवस्था के अंतर्निर्भरता के प्रतिपादन ने उसे 19वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक दार्शनिक बना दिया है। आर्थिक गतिविधियों का व्यापक अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी उसके प्रभावों का जैसा अध्ययन मार्क्स ने किया है वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया। मार्क्स पहला विचारक था जिसने व्यापार चक्र, अति उत्पादन, बेरोजगारी के मध्य संबंध स्थापित किया। उसने ये अनुभव किया कि राष्ट्रीय खुशहाली का एकमात्र साधन व्यापार नहीं है और यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक दोष उत्पन्न होंगे। उसने ही सर्वप्रथम यह अनुभव किया कि उद्योगों के यंत्रीकरण का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और औद्योगिकरण तथा उद्योगों के स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना का तीव्रता के साथ विकास होगा। पूंजीवाद के संबंध में अंतर्दृष्टि। इसके अलावा यद्यपि हम समाजवाद की अवश्य भावना को स्वीकार नहीं कर सकते और हम ये मानते हैं कि पूंजीवाद का समाजवाद सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, लेकिन ये मानना ही होगा कि पूंजीवाद के महत्वपूर्ण विकासों को ऐसे देख लेने में मार्क्स ने उस सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है जिसका उसके समकालीन विचारकों में अभाव दिखता है। मार्क्स ने भी कुछ सही रूप में इस बात का प्रतिपादन किया। यदि पूंजीवाद का परिणाम उत्पादन में वृद्धि होगा, किंतु पूंजीवाद अपने विद्यमान स्वरूप में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। 19वीं सदी का अभाजित पूंजीवाद अब भूत की वस्तु बन गया है और 20वीं सदी का पूंजीवाद उससे बहुत अधिक भिन्न है। नेक्स्ट हमारा आता है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म। कि उन्होंने ये बात कही है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। इन सब के अतिरिक्त मार्क्स को यदि कोई बड़ी देन है तो वह है श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देना, उनकी स्थिति में सुधार करना, पूंजीपतियों के सम्मुख उनकी स्थिति को सबलता प्रदान करना और उन्हें पूंजीवाद के विरुद्ध अंतिम संघर्ष के लिए तैयार करना। पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद का आगमन अवश्यंभावी है। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, उनका नारा था, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए समस्त विश्व पड़ा है।
मार्क्स की बातें निरपेक्ष सत्य नहीं है और उनकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन यह तथ्य है कि मार्क्स के नारों ने श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांतिक विवेचन के अतिरिक्त प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण कर श्रमिक वर्ग को भी संगठित किया। मार्क्स तथा उसकी विचारधारा का महत्व इस बात से है कि वे पूर्ण से शोषित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित है और इसी बात ने उसे महान व्यक्ति बना दिया है। ईसा बर्लिन के शब्दों में 19वीं सदी में ऐसे अनेक सामाजिक आलोचक और क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें मार्क्स की तुलना में कम मौलिक, कम हिंसक या कम कट्टर सिद्धांतवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनमें से किसी ने भी एकनिष्ठ होकर अपने आप को एक ही किसी ऐसे तत्कालिक व्यावहारिक लक्ष्य प्राप्ति के समर्पित नहीं किया जिसके लिए कोई भी त्याग महान नहीं हो सकता। निष्कर्ष रूप में अपन व्यापार के शब्दों में कह सकते हैं कि मार्क्स के संबंध में ये कहा जा सकता है कि अपने संदेश की शक्ति और भावी साम्यवादी आरोधों पर अपने प्रभाव के आधार पर विश्व के महान राजनीतिक विचारकों की किसी भी संग्रह में मार्क्स का स्थान पूर्णतः सुरक्षित है।